हाँ जी, जी हमारे पास क्वेश्चन क्या देखा है जी हमारे पास क्वेश्चन क्या देखा है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ऑटोमिकेड इज प्रेजेंट इन अ हायर एग्जिस्टेड स्टेट ऑफ नंबर एन दिस एग्जिस्टेड आइटम कैन मेक अ ट्रांजिशन इन द टू द फर्स्ट एग्जिस्टेड स्टेट बाई सक्से मिशन ऑफ टू फोर टोन्स ऑफ एनर्जीज टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रीवोट एंड सेवन टी पॉइंट जीरो इलेक्ट्रीवोट रिस्पेक्टिवली आइटम फ्रॉम द सेम एग्जिस्टेड स्टेट कैन मेक अ ट्रांजिशन टू दिस सेकेंड एग्जिस्टिंग स्टेट बाय सक्सेसिव इमिशन ऑफ टू फोटोन्स ऑफ एनर्जी फोर पॉइंट टू फाइव इलेक्ट्रीबल एंड फाइव पॉइंट नाइन इलेक्ट्रीपल डिस्पेक्टिव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड तो हमारा ये स्पेक्टर लाइन्स है वन टू थ्री ये क्या है वन टू थ्री फोर और फाइव क्या बोला है जो हमारा एक फोटोन्स है ये हमारा फोटोस है हमारा किस पे आ रहा है एक थर्ड पे आ रहा है और एक हमारा आ रहा है सेकंड पे ये इलेक्ट्रॉन होगा और लेकिन कितने फोटोन्स आ रहे हैं एक आ रहा है पी वन एक आ रहा है पी टू यहाँ भी एक पी वन एक पी टू दो आ रहा है ये हमारा फोटोन्स है ठीक है तो हमारा इसका इनर्जी जो इमिटेड हुआ है ठीक है तो ये इसका हमें निकालना है ठीक है तो हमारा फोर हाइड्रोजन एटम फोर हाइड्रोजन एटम ठीक है हाइड्रोजन लाइक आइटम ठीक है फोर हाइड्रोजन लाइक आइटम क्या हो जाएगा इनर्जी जो होगा क्या होगा किसका हाइड्रोजन का इन एन ई टू सेकेंड का कितना हो जाएगा टेन पॉइंट टू प्लस सेवनटीन दे रखा हमें है हमें गिवन है तुम्हारे यहाँ से कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू इलेक्ट्रिक वोल्ट और हमें एनर्जी कितना कहाँ से फिर ई सेकेंड थर्ड का तो इसका दे रखा है फोर पॉइंट टू फोर प्लस फाइव पॉइंट फाइव नाइन फाइव ठीक है यही दे रखा है तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा इसका आएगा हमारा टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रिक वोल्ट ये हमारा दोनों आ गया अब उसके बाद अब उसके बाद जो हमारा ई टू ई थ्री माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा ठीक है हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा ई थ्री माइनस ई टू क्या आ जाएगा सेवनटीन इलेक्ट्रिक वोल्ट फर्स्ट वाला दे रखा है तो हमारा जो e3 थ्री है माइनस ई कितना दे रखा है माइनस अगर मैं निकालू थ्री का कितना आ जाएगा माइनस थ्री सिक्स जेड स्केयर एन कितना थ्री हो जाएगा तो थ्री थ्री या नाइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्केयर अपॉन कितना टू है तो हमारा टू टू या फोर हो गया तो यहाँ से हम जो जेड की वैल्यू निकालेंगे ये हमारा दे रखा है ये सेवेंटीन तो सेवेंटीन यहाँ से हमारा थर्टीन जेड स्केयर कॉमन लूंगा तो हमारा आ जाएगा ना वन वन अपनस वन अपॉन नाइन तो जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारा जेड स्केयर आ जाएगा कितना आएगा नाइन तो हमारा जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री ये हो जाएगा तो ये आ गया आंसर और जेड की वैल्यू फाइंड करना तो यही हो गया हमारा आंसर तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है सी के साथ हमारा तो सी हो गया आंसर इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं